दोस्तों, आज हम लोग एक एनिमल किंगडम की एक दवा है सेपिया, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उसके इमोशन का एक कैरेक्टर है, उस पे फोकस डालने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सेपिया मोस्टली ये वुमन्स रेमेडी है, तो मैं वुमन्स को ही एक वुमन को ही कंसीडर करके ये दवा का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ आप लोगों को। सेपिया की जो वुमन होती है या जो लेडी होती है, ये बहुत अपने परिवार को लेके बहुत ज़्यादा बहुत कॉन्शियस होती है, यानी उनका बहुत केयर करती है। एंड सी इज़ वेरी लवेबल एज वेल, जो अक्सर किताबों में हमको देखने को नहीं मिलता है, जो हमारे बुक्स हैं उसमें देखने को नहीं मिलता। ये अपने रिलेशन को लेके इतनी ज़्यादा केयर करती है कि अपने रिलेशन की खातिर अपनी बहुत सारी इच्छाओं को दबा देती है ये। या दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो सेपिया की जो लेडी होती है वो मोस्टली उसको फ्रीडम पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, अट्रैक्टिव दिखना पसंद है, ओके, इंडिपेंडेंस इसको पसंद है। लेकिन शादी हो जाने के बाद ये औरत जब कभी ऐसे फैमिली में चली जाती है जहाँ पे इसको दूसरों के हिसाब से चलना पड़े, तब प्रॉब्लम सेपिया में पैदा होता है। ठीक है, जब दूसरों के हिसाब से वो उसे काम करना पड़े, दूसरों के हिसाब से बिहेव करना पड़े, दूसरों के हिसाब से रिलेशन मेंटेन करना पड़े, तब इसे प्रॉब्लम होता है। और ये प्रॉब्लम तुरंत एक दो दिन में नहीं होता है, ये कई दिनों तक ये सब लगातार चलते रहता है और ये अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होते रहती है। घर की जिम्मेदारियों से, लोगों की अपेक्षाएं उससे बंधी है उससे, और ये इरिटेशन धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। जब इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये लेडी अपने आप को किसी काम में मशगूल रखना पसंद करती है, ऑक्यूपाइड रहना पसंद करती है, ताकि वो सारे ख्याल इसके दिमाग में ना आए, बट स्टिल वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते रहती है। पर दोस्तों, इंसान कहीं ना कहीं तो थकता है, कभी ना कभी तो थकता है, और उसको थकाते हैं उसके इमोशंस। अगर आप खुश हैं तो वाकई आप देखेंगे कि आप काम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप दुखी हैं तो आपसे ज़्यादा काम नहीं होगा, थक जाता है इंसान। आपकी इच्छा के विरुद्ध अगर कोई काम है तो उसे ज़्यादा दिनों तक नहीं कर सकते आप, एक समय आता है कि आप थक जाते हैं। यहीं से सेपिया का प्रॉब्लम शुरू होता है। तो वही लोग जिनको ये बहुत प्यार करती थी, इसके दिमाग में आता है कि मैं इन लोगों के लिए इतना कर रही हूं, क्या इन्हें समझ में नहीं आ रहा है मेरी इच्छाएं क्या हैं, मुझे क्या चाहिए। तब ये थोड़ा थोड़ा फैमिली से कटने लगती है। ओके, सेपिया में एक सेंटेंस है, एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम फैमिली या फैमिली मेम्बर्स। सो धीरे धीरे कुछ ऐसे सीरियस आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं कि जो इनका रिलेशन फैमिलियर होता है ना, वो रिलेशन फैमिलियर नहीं रह जाता, ये चिड़चिड़ी हो जाती है, मोस्टली टुवर्ड्स फैमिली मेम्बर्स। और सेपिया की पेशेंट जब इस अवस्था में होती है तो भले वो लोगों के साथ बैठ के बात करना उसे पसंद है, लेकिन वहाँ पे अगर फैमिली मेम्बर्स रहा तो वहाँ पे वो उससे अच्छा है कि वो अकेला रहना ही पसंद करेगी। इस तरह का होता है, वो उसे लगता है कि बहुत हो गया सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी,
बच्चे का, हस्बैंड का, घर के लोगों का, रिलेटिव्स का, बस अब ये चाहती है कि ये सब चीज़ों छोड़ दूँ मैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अब दुनिया में कोई नहीं चाहिए। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये हेट्रेड जैसा सिचुएशन पैदा होने लगता है धीरे धीरे फैमिली मेंबर्स के लिए, उन्हीं लोगों के लिए जिन्हें वो बहुत प्यार करती थी। लेकिन सबसे खतरनाक फीलिंग होती है सेपिया में इंडिफरेंस फीलिंग, डेड हार्ट फीलिंग, एकदम ये होपलेस वाली कंडीशन होती है, सेपरेटिक कंडीशन। ऐसी अवस्था में उसके फैमिली मेंबर्स के प्रति इतना ज़्यादा उदासीन या इंडिफरेंस हो जाती है कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि किसे क्या हो रहा है, कौन कितने तकलीफ में है, ऐसी अवस्था आ जाती है। तो ये अवस्था सेपिया में बहुत ग्रेवियस होती है, बहुत ख़राब होती है। दोस्तों, सेपिया अगर आप रेपर्टरी में खोल के देखेंगे तो सेपिया सेक्सुअल माइंडेड है, ओके। ड्रीम्स में देखेंगे तो ड्रीम्स ऑफ रेप है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कभी कभी इसे फिजिकल रिलेशन में इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि घर की जिम्मेदारियों से ये इतनी ज़्यादा ऊब चुकी होती है, इतनी वॉर्न आउट, इतनी थकी हुई होती है कि उस सेक्सुअल एक्टिविटी में जाना उसे एक बोझ लगता है। बट फॉर द सेक ऑफ रिलेशन वो इस सेक्सुअल एक्टिविटी में इंटर करती है। सो इट इज़ लाइक अ फोर्सफुल फिजिकल रिलेशन। वो कभी कभी ड्रीम में सेपिया को आता है, ड्रीम ऑफ रेप। और सेपिया बहुत अच्छी दवा है सेक्सुअल एब्यूज़ की भी, ठीक है। अमूमन क्या होता है कि फिजिकल रिलेशन के बाद आदमी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, जैसे नाइट्रामोरिस की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, सी फील्स बेटर आफ्टर फिजिकल रिलेशन। बट सेपिया में इनडिफरेंस होता है, कन्फ्यूज़न होता है, मीन्स सेक्सुअल रिलेशन होने के बाद भी वो जैसे क्लोजनेस रहती है ना, वो नहीं रह जाती, ये एक जैसे मैकेनिकल नहीं होता, ओके बस ऐसे वाला, उसमें कोई जैसे इमोशन रहता ही नहीं है। सो एक स्ट्रीम से आप देखेंगे सेक्सुअल माइंडेड, वेरी लवेबल, ओके, वहाँ से दूसरा एंड क्या है, इनडिफरेंस, एवर्शन टू क्वेश्चन, ड्रीम ऑफ रेप, ओके। और जब रिश्तों से खटास होती है इसे तो ये कहाँ दौड़ती है, ऑक्यूपेशन की तरफ, क्योंकि वो सोच को हटाना चाहती है, जो उसके दिमाग में कंटिन्यूअस सोच चालू रहता है ना, उसको वो हटाना चाहती है। मैंने अक्सर प्रैक्टिस में देखा है दोस्तों कि जो लेडीज़ दूसरों के घरे में काम करती हैं और जिनके हस्बैंड ड्रंकार्ड से शराब पीते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि उनके विल के अगेंस्ट उनको फिजिकल रिलेशन कभी कभी रखना है। एक तो दिन भर ये काम करती हैं और रात को अगर हस्बैंड दारू पी के आ गया एंड ही डिमांड फॉर समथिंग लाइक फिजिकल रिलेशन, तो उन्हें मजबूरन करना पड़ता है। सो ऐसी सूरत में सेपिया पेशेंट को ये सारी चीज़ें, ड्रीम्स ऑफ रेप ऐसे दिखाई देते हैं, या जैसे मशीनरी सेक्स होता है ना, बस वैसे रहता है, उसमें कोई इमोशन नहीं रहता। सो सच टाइप ऑफ इनडिफरेंस शी डेवलप टूवर्ड्स फैमिली मेम्बर्स। अच्छा, ये सिर्फ फैमिली मेम्बर्स को लेके ही नहीं है, एक अवस्था सेपिया में ऐसी भी आती है कि सेपिया अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर्स, पेरेंट्स, सबसे इनडिफरेंस होने लगती है। सो देर इज कंप्लीट इनडिफरेंस टू सराउंडिंग, अगल बगल में जो भी है, मतलब उससे जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। उस समय यू विल फाइंड लोदिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक इमोशन को हम लोग पकड़े सेपिया के, सेपिया को अगर डिस्क्राइब करने गए तो बहुत सारे इमोशंस हैं, लेकिन मैं ये एक इमोशन स्पेसिफिक पकड़ा और उसे डिस्क्राइब करने की कोशिश किया। दोस्तों, आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर, ओके, टेक केयर, बाय।